कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 वायरस तेजी से बदलाव करने में सक्षम है। कोविड का डेल्टा वेरिएंट उसका ही नतीजा है। अगर कोरोना वायरस में नए म्यूटेशन पाए गए तब यह वायरस डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक हो सकता है। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कही। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि कई वैज्ञानिकी आकलनों के मुताबिक देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। स्वामीनाथन ने कहा कि भारत इस वक्त दूसरी लहर के शिखर और तीसरी लहर की शुरुआत के बीच खड़ा है। वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक इस साल अक्टूबर में तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। हालांकि तीसरी लहर मुख्यतः वैक्सीन कवरेज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वायरस म्यूटेशन पर निर्भर करेगी। शीर्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस में म्यूटेशन के अवसर संक्रमण फैलने की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना होना चाहिए। WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि बच्चों पर तीसरी लहर के प्रभाव को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि ICMR के सीरो सर्वे के अनुसार 65% बच्चों और वयस्कों में एंटीबॉडीज होने का पता लगा है। स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा कि ICMR के डेटा से यह साबित होता है कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी बच्चे कोविड से हल्के तौर पर प्रभावित हुए थे, इसलिए तीसरी लहर के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने के संबंध में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दुनिया में वैक्सीन को लेकर बढ़ती असमानता के बीच WHO ने अमीर देशों से फिर एक बार कोरोना वायरस की बूस्टर डोज पर फिलहाल के लिए रोक लगाने का आग्रह किया है। WHO ने इन देशों से सितंबर तक ऐसा करने को कहा है ताकि तब तक गरीब देशों में कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वैक्सीन की दो डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देना संक्रमण का प्रसार रोकने में कितना प्रभावी है। WHO के महानिदेशक गैब्रियल तेद्रोस ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि धनी देशों में प्रति 100 लोगों में लगभग 100 वैक्सीन मुहैया कराए जा चुके हैं, जबकि वैक्सीन की कमी के कारण गरीब देशों में प्रति 100 लोगों में केवल 1.5 लोगों को ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।